पता नहीं ये मिरर अंदर रहता है लेकिन उसके बाद भी इतना गंदा कहाँ से हो जाता है। खैर बहुत दिनों से क्या है ना कि ये जो दाढ़ी और बाल है ना ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लाइक बाल बढ़ तो गए हैं और लाइक दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाल तो ठीक है बट ये दाढ़ी ना मुझे बहुत परेशान करती है और ये दाढ़ी मुझे इतनी कोई खास पसंद आती नहीं है। तो सोचा क्यों ना आज दाढ़ी कटवा ली जाए और थोड़ी सेट करवा ली जाए क्योंकि दाढ़ी क्या कटती है तभी अच्छी लगती है। नहीं तो क्या है कि ऐसे अब शॉप पे बैठते हैं और शॉप पे बैठने के बाद क्लाइंट भी आते हैं तो थोड़ा अपने आप को ग्रूम रखना जरूरी है। मैं पता है मेरे पास ट्रिमर है सब कुछ है बट मैं खुद से दाढ़ी बनाने से कतराता हूँ। उसका रीजन ये है कि जब भी दाढ़ी बनाने बैठो कहीं कम ज्यादा ना हो जाए। चलते हैं थोड़ा आज ग्रूम व्रूम करा के लेके आते हैं अपने आप को। और अपन जब ग्रूम कराने जाते हैं तो अपने पास तो एक ही जगह है वो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी। नहीं पता तो चलो फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बट निकलते हैं अभी सफर पे। देख रहा हूँ टाइम, जब भी मैं घड़ी खोलता हूँ ना ऐसा ही टाइम दिखता है मेरे को, 14:14 या डबल डबल शब 14:14 यानी कि 2:30 बज गया। कभी धूप हो जाती है कभी छांव हो जाती है। बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग। खैर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ तो मैं भूल ही गया, तो आप लोगों का स्वागत है इस नए व्लॉग में या कहें मोटो व्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। कभी कभार मोटो व्लॉग भी कर लेना चाहिए, व्लॉग के साथ साथ मोटो व्लॉग भी अच्छा रहता है। आंटी देखो ना, आंटी भी खतरों के खिलाड़ी बनी जा रही हैं। हिंदू, अपन हिंदू हैं समझ में आता है, ऐसे गाड़ी पे हिंदू लिखवा के बताने की ज़रूरत क्या होती है? अपने धर्म को ऐसे लिख के बताने की जरूरत थोड़ी होती है कि हम हिंदू हैं। देख लो हिंदू हो तो अपने कर्म से बताओ ना कि लिखवा कर। आजकल क्या है ना सब लोगों को भेड़ चाल चलने की बहुत 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 शौक चला है, बहुत शौक। तुम बचपन से पैदा हुए 30 साल के हो गए ठीक है और तब तक तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया ना तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि तुम हिंदू हो ठीक है। अब जबकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी बीजेपी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रही तो अब चोड़ में होकर सब लोग बता रहे हिंदू हिंदू। तब 30 साल से कहाँ थे भाई तुम लोग, कहाँ थे? सब शौफ चल रहा भाई, पूरा शौफ आज के टाइम पे है। मतलब वो आपने वो वाले कहावत सुनी है, बहुत पहले कही होगी किसी बड़े बुजुर्ग ने ये वाली बात की भैया जो दिखता है वही बिकता है। उसका असल मतलब आज समझ में आ रहा है इंस्टाग्राम रील में कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। रील 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 ने सब बर्बाद कर दिया, सब इज्जत आबरू सब फेम में बिक गई सब। कैसे पकड़ा हुआ है दिख रहा है, अंकल ने पीछे पकड़ा हुआ है, आंटी ने अंकल को पकड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसी को कलयुग बोलते, सोच के देखो कलयुग में अभी ऐसा हो रहा है रील पे कि इतनी वाहियातगिरी हो रही है, सोचो घोर कलयुग में क्या ही होगा भाई। मेरे को तो ये लग रहा है बदन पर कपड़े बचेंगे भी कि नहीं मेरे को तो वो भी नहीं पता। खैर अपने को क्या, जो बदन दिखा रहा है वो उसका बदन, आजकल यही तो बोला जाता है। अबे हमारा बदन है हमारी बॉडी है तेरा क्या जाता है बे। बट आने वाला कल बहुत ख़राब है, तो आने वाला कल तो ठीक है, मेरे को तो अपने आगे का आने वाला मौसम भी बड़ा ख़राब दिख रहा है भाई। वहाँ तो धूप थी यहाँ ऐसा बदल कब से छाने लग गए। आज कार ही लेके आनी चाहिए थी, मैं गलती से बाइक ले आया। रे 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 चलो सिग्नल हो गया। अरे कहाँ से चलो कल निकल। चचा 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 तूफानी चचा देख रहो, मजा आ गया। क्या कर रहा है चाचा, मोबाइल चला रहा है, एक हाथ से गाड़ी एक हाथ से मोबाइल, ये गलत बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ मत करो। देख 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 एक हाथ से पायलट बन रहा और एक हाथ से मोबाइल, मोबाइल नहीं छूटेगा उसका, भले ही उसका मोबाइल टूट जाए लेकिन मोबाइल छूटेगा नहीं, पायलट बनना जरूरी है। देख फिर चलाया उसने मोबाइल, अबे हट जा चला ले मोबाइल। मोबाइल बच्चा हो या बूढ़ा भैया मोबाइल सबके में अच्छे से घुसा हुआ। कितने क्लाइंट आते हैं मेरे पास में भाई, उनके बच्चे मोबाइल के लिए जिंदा है ऐसा लगता है या मोबाइल पे ही जिंदा है ऐसा लगता है कि भाई साहब जो माँ बाप है ना माँ बाप, इन लोगों ने पता है अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़े, बच्चों ने मोबाइल की जिद नहीं करी है कि लाओ भैया मम्मी मोबाइल दे दो मम्मी, नहीं माँ बाप ने क्या किया, माँ बाप को बच्चों से छुटकारा पाना था। कैसे बच्चे क्या है बच्चे, माँ बाप को लगा बच्चा रो रहा है क्या करें। अब आजकल के माँ बाप से बच्चे वैसे भी संभलते नहीं है, क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ में रहते नहीं है, सेपरेट हो जा रहे हैं। पहले क्या था कि पहले के टाइम पे आपके भी बाप दादाओं के ज़माने पे दादी लोगों के ज़माने पे होता क्या था, फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा क्या होता था कि आप बच्चे हुए तो माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को दादा दादी रखते थे, वो पालते थे ठीक है ना, जो हमारे बुजुर्ग थे वो पालते थे। बट अब क्या हुआ, अब हर चीज़ सेपरेट होती जा रही है, सबको सेपरेट 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 होना है, तो सेपरेशन में वो क्या रहा है, अब जहाँ दादा दादी बच्चों को पालते थे अब दादा दादी के साथ रह नहीं रहे,
तो अब माँ बाप को पालना पड़ता है, बाप जाता है अपने काम पे, माँ घर पे रहती है, माँ को बच्चा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, माँ करती है ले मोबाइल ले ले, एटलीस्ट कम से कम मेरी जान छूटेगी। अब बच्चे के लिए मोबाइल क्या हो गया, बच्चे के लिए मोबाइल हो गया नया, उसको उसको देख के मजा आने लग जाता है, माँ को आराम का सुकून का वो नशा चढ़ जाता है कि हाँ अब जब भी ये रोएगा इसको मोबाइल दे दूंगी, मेरी जान तो छूटेगी कम से कम। और ऐसे करते 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 बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाती है, तो बच्चे को हाँकते मूंदते खाते पीते सोते जागते मोबाइल ही मोबाइल चाहिए। बट ये माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं, उनको मोबाइल दे के। शायद ये भी कलयुग है। एक काला अंधेरा सा छा गया और बारिश का मौसम आ गया। अपन को जल्दी से पहुंचने का है अंकित की दुकान, क्योंकि अगर अपन नहीं पहुंचे तो गीले हो जाएंगे मेरी जान, समझी गया। मैं गीला हो जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कैमरा गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है। और यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, और भाई साहब देख रहा बिजनेस, कार से घर से खाना लाते हैं और यहाँ लाके खाना बेचते हैं, वाह। चाहे तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, बट ये पानी बहुत कुछ कर सकता है। एक तो सिग्नल भी भाई 40 सेकंड, एक तो लोपा के जेब्रा क्रॉसिंग के आगे क्यों खड़े हो जाते हैं, मैं और उसकी माँ की आँख स्प्लेंडर वाले चला गया। 5 4 3 2 1 निकल ले बेटा, चल मेरा भाई, पानी आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी, अरे आई गया आई गया आई गया आई गया, पानी आ गया पानी आ गया पानी आ गया आ गया। गोपरों गीला नहीं होना चाहिए शिवम, पेड़ों की आड़ ले ले। गए 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 गए, फंस गए रे, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। वैसे बोलते हैं बारिश में ऐसे पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, देख रहे हो। अरे रे तुम भी गीले हो गए, रुक जाओ तो मैं साफ करूं। हाँ अब देख रहे हो कितना तेज पानी आ गया। अरे यार ये ऐसे बारिश में फंसने का तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था, आज बाल कटाना बहुत भारी पड़ रहा है और ये तो बहुत तेज़ बारिश है, क्या करूँ मैं गीला होता हुआ जाऊँ क्या, गोप्रो अंदर रख के, क्या बोलती पब्लिक। मैं नहीं, क्यों गीला हूँ मैं, एक तो रेनकोट भी था मेरे पास, मैं रेनकोट लेके नहीं आया, वहाँ से निकला था तो सोचा धूप नहीं होगी, धूप थी तो बारिश नहीं होगी, बट अब इतनी गीले होने के नौबत आ गए। भगवान जी बस एक विनती करी थी आपसे, आपने उस विनती की चिंती चिंती कर दी, क्या करो, गाड़ी बंद करके खड़े रहो। गीला होके जाऊँगा अभी तो अंकित के पास, कोई काम का नहीं रहूँगा, खड़े रहो खड़े रहो। हे भगवान, बस थोड़ी सी दूर थी उसकी दुकान और अब तो ऐसा है कि मैं बीच में अटक गया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। चलो एक काम करता हूँ, गोपुर तो बंद करूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। और आखिरकार बारिश तो बंद हुई नहीं, लेकिन जैसे तैसे गीला होते होते मुझे पहुंचना पड़ा अंकित की दुकान। और जरा मेरी हालत देखो, मैं पूरा गीला हो चुका हूं और इतना गीला हो चुका हूं कि मेरे जूतों तक में पानी भरा गया है भाई, देख रहे हो, मतलब जूतों में से भाई पानी निकल रहा है यार। अब चलो ठीक है, गीले तो हो ही गए, बट गीले के साथ साथ एक दिक्कत और हो गई, और वो ये कि मेरा आईफोन का कवर वो भी डैमेज हो गया भाई पानी के चक्कर में, जैसे पीछे से लेंस का केप लगा हुआ था वो भी निकल के टूट गया और मेरे दोनों मोबाइल पानी 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 हो गए। बट चलो खैर, अंत भला तो सब भला, गीले हुए तो हुए, मोबाइल का कवर टूटा, बट फाइनली हम पहुंच गए हमारे अंकित के सलून पे। चलो अब बाल कटाई लें। और गीला होने के बाद इस चेयर पे बैठ के तो हर जगह से गीला गीला लग रहा है। और ये भाई ने अपने बाल कौन से कलर के कराए हैं यार, सोच रहा हूँ मैं भी ये कलर करा लूँ क्या। नहीं रहने दो, बीबी बहुत मारेगी, वो टकला है तो मेरे को भी टकले ही करेगा क्या भाई, तुम्हारे जैसा नहीं करना मेरे को। अच्छा ये नया बॉक्स है, मुझे लगा कोई अपना सामान छोड़ गया इधर। अच्छा तो ये इसके लिए है, उड़ाना नहीं है पूरे बाल, ऊपर से ऊपर के सेट करने हैं मेरे को, साइड के तो सही है, साइड को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर के सेट करने। अरे मत कर, नहीं माना आखिरकार, उड़ा ही दिए तूने ना। और यहाँ मेरे सच में वैसे फट रही है, कहीं ये अपने बालों जैसा मेरे बालों का हाल ना कर दे भाई। इतने भी मत उड़ा, पूरे उड़ाई दे रहा। पहले के नाई हुआ करते थे जो लोग कैची और कंघी से बाल काटते थे, बट आजकल के ये नाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीरो मशीन से पूरे बाल काटे दे रहे हैं भाई, कैची की जरूरत ही नहीं। और ये जीरो मशीन की आवाज कान में ऐसी लग रही है, न जाने हजारों मक्खियां मेरे कान के पास बिनबिना रही हैं। और मेरी नजर इनके एसी पे गई तो, और एसी क्या भाई, ये एसी तो मस्त, क्या हवा फेंक रहा है, एसी हवा फेंक रहा है कि वो हवा भी दिखाई दे रही है फिकती हुई। एंड फाइनली जीरो मशीन गई और केची की बारी आई, और मेरा कवर देखो भाई बिना लैंडस्केप के कैसा लग रहा है, बट कोई नहीं, जुगाड़ जुगाड़ होती है, जाते जाते नया कवर भी ले ही लूंगा। फाइनली बाल तो कट गए, अब बारी आई दाढ़ी की, और आखिर में बारी आई बालों को सेट करने की। और जरा देखो भाई देखो, मतलब नाई के पास जाने के बाद तो सच में ऐसा लगता है कि जानवर इंसान बन गया, मैं आया था कैसा जानवर जैसा दिख रहा था, और अब देखो कितना पतला के एक नंबर रिया हूं भाई, मतलब क्या बाल हैं, क्या दाढ़ी है,
आए हाय। और फाइनली कुछ इस प्रकार का अब मेरा ये लुक होने वाला है, और ये वाला लुक मुझे इतना पसंद आया है कि अब मैं लाइफ टाइम यही लुक रखने वाला हूँ। और इस बार मैं कुछ और अलग भी करने वाला हूँ। इस बार अब मैं अपने बालों को कलर नहीं करने वाला, मैं इनको ऐसे ही व्हाइट रखने वाला हूँ ताकि कि लुक थोड़ा चेंज हो, और मुझे ये लुक बहुत पसंद आ रहा है। बट घर जाके पता चलेगा वो तो कि घर वालों को कैसे पसंद आता है कि नहीं आता ये वाला लुक भाई। खैर बाल कटने के बाद मैं पहुंच गया अपने मोबाइल का कवर लेने के लिए, और अपनी तो एक ही फेवरेट जगह है भाई, वो है झनकार म्यूजिक, खेड़ापति हनुमान मंदिर न्यू मार्केट के जस्ट बगल में झनकार म्यूजिक। अपने लिए तो मोबाइल एक्सेसरीज के मामले में ये बेस्ट जगह है। और ये क्या, मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूँ और फिर से धुआंधार बारिश होना चालू जाती है भाई एकदम से, और यहाँ पूरा न्यू मार्केट में आपदड़ मच जाती है। और फाइनली मुझे मेरे पुराने कवर की तरह एक और नया कवर मिल गया, थोड़ा चेंज है बट है अच्छा। तो अगर आप लोगों में से कोई मोबाइल एक्सेसरीज लेना चाहता है तो न्यू मार्केट में झनकार म्यूजिक आना ना भूलिएगा, और यहाँ बताइए नाम शिवम भोपाली और आपको मिलेगा एक अच्छा डिस्काउंट। अब पता नहीं कब ये पानी बंद होगा और कब मैं घर जाऊंगा। चलो कुछ नहीं कर सकते, वेट करते हैं पानी बंद होने का।